You're my crush. You're my crush. I'm your crush. I'm your crush. You're my crush. तो गाइस आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इसी तरह का फोटो एडिटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडिट फोटो पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद एडिट फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें मॉडल का फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। मॉडल के फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसकी थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट को भी बढ़ाएंगे। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देंगे। ऐड ए फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से PNG सिलेक्ट करेंगे। इन सारे PNG और बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन PNG को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। PNG अच्छे से एडजस्ट होने के बाद ऐड ए फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से PNG सिलेक्ट कर लेना है। PNG सिलेक्ट करके इन्हें को भी अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इन PNG को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद डुप्लीकेट पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे। ऐड ए फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्री वाली PNG लेंगे, इसको एडजस्ट करके लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मूव डाउन पे क्लिक कर देना है और सबसे हमें नीचे ले जाना है इसको। तो इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ऐड ए फोटो पे क्लिक करेंगे, लाइट PNG सिलेक्ट करेंगे, इसको ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके स्क्रीन रख देना है। इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे हम, इसको भी डुप्लीकेट करके हम इसे भी इधर लगा देंगे। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टूल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को भी बढ़ाएंगे, हाईलाइट को डाउन करेंगे, कम करेंगे, शैडो को बढ़ाएंगे। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है।